Farshad Nautia, Alazi MLA representing Kedarnath. The event held at the Vidhan Sabha in Dehradun was marked by a formal and dignified atmosphere. Speaking on the occasion, the Chief Minister expressed confidence in Nautia's ability to serve the Kedarnath constituency effectively and contribute to the state's development. सुरेंद्र भाई तुम जो है सबसे पहले लगवा लिया करो अब आगे से ऑर्गेनाइज यही करना पहले सबका लगवा लो और कोई तो नहीं है मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है अपना सदस्य बनाया है आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं बधाई देता हूं और जो अपेक्षा आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे धरातल पर उतारेंगे जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है उसको पूरी दुनिया देख रही है और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इस चुनाव से पहले जो हमने वहां पर घोषणा की है जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं उन सभी को हम पूरा करेंगे निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहां पर किए गए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं उसकी जीत है ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया जातिवाद फैलाने का काम किया झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की उनके मुंह पर करारा तमाचा है लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो उसके लिए हमने योजना बना दी है हम उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी आने वाले समय में अभी यात्रा पूरे 12 मास चले इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे सर शीतकालीन यात्रा को थोड़ा सा और क्योंकि इसमें चुनौती भी बहुत ज्यादा होगी कई ऐसी जगह है जहां बर्फ बहुत रहती है उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा देखिए एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं पर्यटक हैं श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है सूर्य दिखाई नहीं देते हैं हमारे यहां पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा सूर्य भी दिखाई देंगे अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं हमारे मंत्रीगण भी